अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नया चैप्टर दैट इज डेफिनाइट इंटीग्रल, चैप्टर नंबर 5, कि जिसका नाम है डेफिनाइट इंटीग्रल। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहली टाइप, वो है डेफिनाइट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम। सो इसे हम डिनोट करेंगे ए टाइप से, डेफिनाइट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम। तो क्वेश्चन में अगर ऐसा मेंशन किया रहेगा सॉल्व द इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम, तो ये आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला स्टेट करता हूँ ए टाइप में, इंटीग्रल ए टू बी, ए को कहते हैं लोअर लिमिट, बी को कहते हैं अपर लिमिट, एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन आर टेक्स वैल्यू 1 to n एफ ऑफ ए प्लस आर एच मल्टीप्लाई बाय एच, वेयर एच फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है बी माइनस ए अपॉन एन। ये हो गया एच की वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर्मूला। देन अभी ए टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें समेशन नोटेशन के कुछ फॉर्मूले रिक्वायर्ड है, वो भी फॉर्मूले यहाँ पर मैं स्टेट करता हूँ। सबसे पहला फॉर्मूला समेशन वन आर टेक्स वैल्यू 1 to n, इसका मतलब होता है आर की वैल्यू अगर हम 1 लेंगे तो हमें आंसर 1 ही मिलेगा, आर की वैल्यू 2 लेंगे फिर भी हमें आंसर 1 मिलेगा, आर की वैल्यू 3 लेने पर हमें आंसर 1 मिलेगा। सो ऐसे 1 हमें कहाँ तक मिलेगा, तो आर की लास्ट वैल्यू n है, सो वी गेट 1+1+1+...n टाइम्स। तो उसे प्लस करने के बाद हमें आंसर मिलेगा n, जैसे कि 1+1+5 टाइम्स तो उसका आंसर 5 आता है, 1+1+1 10 टाइम्स तो उसका आंसर आता है 10। देयरफॉर ऑन सेम लाइन 1+1+1 n टाइम्स तो उसका आंसर मैंने लिख दिया n। सेकेंड फॉर्मूला है दैट इज समेशन r आर टेक्स वैल्यू 1 to n। अब यहाँ पे r की वैल्यू मैंने 1 रिप्लेस की तो मुझे आंसर आएगा 1, नेक्स्ट वैल्यू 2, नेक्स्ट वैल्यू 3, इसी तरह फाइनल वैल्यू r की क्या है n, तो हमें आंसर मिलेगा वहाँ पर n। अब यहाँ पे ऑब्जर्व किया तो हमारे नंबर है 1, 2, 3 up to n, ये टर्म्स कहाँ पे है ap में है, तो उनके लिए फॉर्मूला समेशन का है n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा समेशन आर स्क्वेयर आर टेक वैल्यू 1 to n, आर की वैल्यू यहाँ पर हम 1 रिप्लेस करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा 1 square, आर की वैल्यू 2 लेंगे तो 2 square, नेक्स्ट वैल्यू 3 square डॉट एंड फाइनली लास्ट वैल्यू आर की n है तो हमें टर्म मिलेगा n square। तो इसके लिए फॉर्मूला n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 अपॉन 6 एंड देन फोर्थ वाला फॉर्मूला है समेशन r cube आर टेक्स वैल्यू 1 to n,
आर की वैल्यू 1 लेते हैं तो हमें आंसर आएगा 1 क्यूब, 2 लेंगे तो 2 क्यूब, 3 क्यूब एंड फाइनली आर की वैल्यू एन है सो हमें आंसर मिला एन क्यूब। तो इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास एन स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 द होल स्क्वायर अपॉन 4।